हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए तो मेरी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश है और ये एक बंगाली डिश है, ये कोलकाता में बहुत फेमस है। तो आज हम बनाने वाले हैं रसगुल्ले यानी कि छेने। ले बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? यहाँ पे हमने ले लिया है 1 लीटर गाय का दूध, 250 ग्राम चीनी और कॉर्नफ्लावर ले लिया है 1 चम्मच। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं तो आप इसकी जगह अरारोट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है वेनेगर 3 से 4 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए। आप नींबू का यूज भी कर सकते हैं और टाटरीन का यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हम बनाते हैं रसगुल्ले। ऑन कर लेंगे और दूध को गर्म करेंगे उबाल आने तक। हल्का सा ठंडा हो गया है, हम इसको ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही ठंडा करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें आधा वेनेगर डाल देंगे और इसको अब हम दूध को ऐसे चला लेंगे धीरे धीरे और हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा दूध फट ना जाए। अब ये देखिए दूध में से हमारा छेना अच्छे से निकला आया है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। हम इधर एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें अपना मसलिन का वाइट कलर का क्लॉथ ले लेंगे और इसको अच्छे से इसमें डाल लेंगे। आप कलर वाला कपड़ा ना लें क्योंकि कभी कभी कलर भी छोड़ देते हैं। और अब हम इसमें अपना छेना डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पूरा पानी निकालने तक अच्छे से निचोड़ लेंगे। पानी ले लेंगे नॉर्मल और इसमें छेना को डिप कर देंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि हमने वेनेगर डाला था तो उसका खट्टापन ना आए। और इस टाइप से हम 2 बार कर लेंगे। इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे और गैस ऑन कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और हम इसमें 5 बाउल पानी डाल देंगे। अब हम इसको एक बॉईल आने तक छोड़ देंगे, इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। निकाल लेंगे और इस तरीके से हम उसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के चिकना डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे और इसको अच्छे से 5 मिनट तक मसल मसल के चिकना डो तैयार कर लेंगे। इसी टाइप से हम बना लेंगे और अच्छे से हम इसको राउंड राउंड करेंगे क्योंकि तो इसमें क्रैक ना पड़े इस तरीके से। यानी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको शुगर सिरप में डाल देंगे। हमारे शुगर सिरप में भी उबाल आ गया है। अब हम एक एक करके इसको इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पर होने देंगे। हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने रसगुल्ले देखते हैं। ये देखिए रसगुल्ले हमारे डबल साइज के हो गए हैं और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको 15 से 20 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देंगे। रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे से सारे एक बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे रसगुल्ले बने। रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं और 1 लीटर दूध में हमने 8 पीस रसगुल्ले बनाए हैं मीडियम साइज के। वो हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इन्हें ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।